वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनडीए 2021 एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम डेट्स जानेंगे, 2021 की एज लिमिट जानेंगे और बेसिक एग्जाम डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून 2021 को रिलीज की जाएगी यूपीएससी के द्वारा, और जो आपके एप्लीकेशंस हैं एनडीए 2021 के लिए वो 9 जून 2021 से शुरू हो जाएंगे। एनडीए 2021 की अप्लाइंग की लास्ट डेट 29 जून 2021 रहेगी। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 2 हफ्ते पहले रिलीज कर दिया जाएगा। मोरोवर, एग्जाम की डेट 5 सितंबर 2021 है और आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एनडीए 2021 के एज लिमिट की, बेसिकली ये एनडीए 148th कोर्स होने वाला है और आईएनए का 110th कोर्स होने वाला है। सो आपकी बेसिकली 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में बॉर्न किए हुए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 12th अपियरिंग 12th पास्ट किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एनडीए 2021 के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स रहा है 12th में तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर फिजिक्स और मैथ्स नहीं रहा है तो आप सिर्फ आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं, यानी ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले बच्चे सब आर्मी विंग के लिए ही एलिजिबल होंगे। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद आप 5 डेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट आ जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल व ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म के अप्लाई करने के लिए, जबकि एससी एसटी सन्स ऑफ जेसीओज एनसीओज एंड ओआरस उनको कुछ भी नहीं पे करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। बात करें रिटन टेस्ट की तो 900 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है। मैथ्स जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है 300 नंबर का होता है। मोरोवर जीएटी आपका 2.5 घंटे का पेपर 600 मार्क्स का होता है। बात करें एप्लीकेशन के प्रोसीजर की तो आपका ये जो फॉर्म है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, जिसमें आप पार्ट 1 को क्लिक करेंगे। पार्ट 2 पे प्रॉपर तरीके से भरने के बाद में आपको 100 रुपीज़ का फी डिपॉजिट करना है यदि आप एप्लीकेबल होते हैं। फिर अपने मनचाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स को सिलेक्ट करके अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आप अपलोड करते हैं। फाइनली आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, एंड देन आपके पास में आपकी एप्लीकेशन की कॉपी आ जाती है फॉर फर्दर यूज़ के लिए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता दी हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए आप एनडीए के कोर्सेज के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है स्पेशली एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं एनडीए के एग्जाम की तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। मोरोवर, अगर आप पेड कोर्सेज के जरिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो 11 फाउंडेशन कोर्स के एडमिशन ओपन है, एज वेल एज एनडीए तेजस ऑनलाइन बैच टारगेट 2 2021 के एडमिशन भी ओपन है। आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन बैचेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोविड केयर प्लान के तहत आप अपने रजिस्ट्रेशन एंड सीट लॉक करा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद। चीत्कार की क्या जरूरत जब फतेह के लिए फॉर्मूला हो रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू, तो शोर मचाने की क्या जरूरत जब शोर माफिक सफलता ही हो आपकी पहचान। इसलिए मैंने आने वाली हर दुश्वारियों का रखा है समाधान। सेंचुरियन में महज एक नहीं, सफलता के सभी मापदंडों का रखा जाता है अचूक ध्यान। पढ़ने में बहकावे, दिखावे या किसी बहाने में क्यों आना, जब जुनून हो एक अर्जुन माफिक लक्ष्य हो सेना में अनुशासित अधिकारी बन जाना। इसलिए हम यानी सेंचुरियन में शोर कम, सिलेक्शन ज्यादा। हमारी सफलता ही हमारा शोर है।